नाउन क्या होता है? संज्ञा। नाउन क्या होता है बेटा? संज्ञा। नाउन का डेफिनेशन है, नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज ए पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे आपका नाम मनप्रीत है, ठीक ना, कोई व्यक्ति रवि, मोहन, प्लेस, प्लेस में से पोचिटवा हो गया, उत्तर प्रदेश, कोई भी प्लेस, थिंग वस्तु, जैसे कोई वस्तु है ना, बैग, बल्ला, चेयर, कोई भी वस्तु, आइडिया जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, इन सारों, ये सब चीजें क्या है? संज्ञा है। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एप्पल है, चेयर, टीचर, आइडिया। तो इस चैप्टर में दिखाया गया है गोल्डी। ठीक, गोल्डी इज अ फिश, ऑफिस बाउल्स आर होम, पीपल कॉल इट एन एक्वेरियम, सी इट्स फिश फूड, गोल्डी हैज फिन्स एंड ए टेल, व्हेन गोल्डी प्लेज सी पुशेज स्मॉल स्टोन्स एट द बॉटम ऑफ हर फिश बाउल एंड ब्लो बबल्स, हर मास्टर वांट्स टू बाय अनदर फिश, गोल्डी इज हैप्पी टू सी अ फ्रेंड। ये इसमें है, इसमें हमें बताना है कि इसमें नाउन क्या क्या है, इसमें सर्किल लगाना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सर्किल ऑल द नाउन्स, सारे नाम क्या है, सर्किल करना है, इसमें से कोई एक नाम छाटो और सर्किल लगा के इसमें फिल करो। ठीक है, यहाँ आइए। अब जैसे ही हमने इस पर लिख दिया है ब्लैक बोर्ड पर, अब ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, इसमें क्या क्या नाम है? गोल्डी। गोल्डी एक नाम, नाम है, नेम है, इसलिए गोल्डी क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। और क्या है? फिश। फिश है, इसको क्या? मछली। ठीक, और इसमें होम है, एक्वेरियम है। ठीक, फिश फूड का फूड हो जाएगा, का है? फूड हो जाएगा। ठीक है, और टेल, स्टोन, बटम, बाउल, ये सब क्या है? नाउन। हर मास्टर मालिक, मालिक की नाम। ठीक, पिछले वीडियो में हमने बताया था इसमें क्या है, नाउन को फिल करना है, जैसे गोल्डी फिल कर दिया गया, गोल्डी। और है ये फिश, फिश भी क्या है? एक नाउन है। होम हो गया, एक्वेरियम है, और स्टोन्स, स्टोन्स हो गए नाउन, बबल्स, बटम है, और क्या हो जाएगी? फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड भी एक नाउन है, मास्टर भी है, तो मास्टर भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें एट ही भरने हैं, एट ही सर्किल करने हैं, एट ही फिल करने हैं, तो हम एट ही भरेंगे। ओके, आगे दिया है, रीड द पैराग्राफ गिवेन बिलो एंड राइट द मिसिंग नाउन्स टेन एस टू टेक्स्ट इस पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर में जो जो हमें चित्र दिखे गए हैं, पिक्चर दिखे हैं, वो हमें नाउन को फिल करना, ये नाउन है। सम चिल्ड्रेन टेक ए बस, ये क्या है? बस है, तो यहाँ बस भरना है। टू गो टू स्कूल, हमें क्या है? बस भरना है। यहाँ क्या हो जाएगा? फिल करेंगे बस। आगे अदर चिल्ड्रेन राइड दियर, ये क्या है? चित्र में क्या? हाँ, चित्र में साइकिल है, तो साइकिल भरेंगे, साइकिल। सम बॉयज एंड गर्ल्स राइड इन ए, ये क्या है चित्र में? कार। क्या है? कार, तो कार भर देंगे। विथ हिज या हर, ये कौन है? फादर है, मालूम। आगे राइट ए सेंटेंस एंड ऑन ईच ऑफ द गिवन पिक्चर, जो वस्तु क्या है? दूर होती है, उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, जो पास में होता है उसके लिए दिस का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ये दिस, इसके लिए क्या है? दिस इज अ मंकी, दिस इज अ मंकी। और ए डक दूर है, इसके लिए दैट इज अ डक, दैट इज अ डक, बत्तख है। और ये बिल्ली पास में है, तो दिस इज अ क्या हो जाएगा? कैट, यह एक बिल्ली है। और पैरट दूर है, इसके लिए क्या हो जाएगा? दैट इज अ पैरट। आगे है, पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, इसमें हमें क्या है? करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस को लिख करके ऐसा बनाना है जिसका कुछ अर्थ निकल सके। तो आर है न्यू सर्स दोज माई, ऑब्लिक करके बताए हैं, ऑप्शन एक प्रकार का ऑप्शनल है। ठीक है, इस तरह इसको बनाना है करेक्ट ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा? माई दोज आर माई न्यू सर्स, पहले दोज आएगा, दोज आर माई न्यू सर्स, यह मेरा
ना, वो मेरा नए शर्ट्स हैं। आर दीज जूसी आर ऑरेंज, इसको नए ऑर्डर में करा, नए करेक्ट ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, दीज आर वेरी जूसी ऑरेंजेस, दीज आर वेरी जूसी ऑरेंजेस, ठीक है। ये मेरे, ये बहुत मतलब कि जिसमें बहुत रसे होते हैं ना, जूसी ऑरेंजेस संतरे हैं। राइट स्टूडेंट, दोज वेल, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑर्डर, दोज दोज, ठीक है, यानी वो दोज स्टूडेंट्स, ये जो वो स्टूडेंट्स क्या हैं, अच्छा लिखते हैं, राइट वेल, राइट वेल ना, अच्छा लिखते हैं। न्यू आर दीज ट्वाइस, ये इसको करेक्ट ऑर्डर में बनाएंगे, दीज आर या दीज ट्वाइस, ठीक, ये खिलौने नए हैं, आर न्यू, न्यू नए हैं, ठीक, ये आपका करेक्ट ऑर्डर में बन जाएगा। आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।